जी 4 तारीख से अब तक पीछे की क्या प्रक्रिया रही है? आज 8वां दिन है धरने का। देखो 4 तारीख से लेकर के आज तक आपने देखा 4 तारीख को पूरा रोड जाम हो गया था और आपने सारे अखबारों ने उसकी खबरें दी, और 4 तारीख से लेकर के आज तक डेली हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भी हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजे थे, उसके बाद हमारे समाज में जागरूकता काफी संख्या में आई। जो स्टूडेंट विंग है, जो कॉलेज के स्टूडेंट विंग है, वो विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी इस धरने को सफल बनाने में मदद करेंगे। अभी 13 तारीख को कितना जन सैलाब उमड़ेगा, आप जवानी को क्या संदेश देना चाहेंगे? 13 तारीख को हमने तो 4 तारीख को भी संदेश दिया था, हमारे पास पूरे हरियाणा से और प्रदेश से लोग आए थे। तो बाबूजी 4 तारीख से अब तक पीछे की क्या प्रक्रिया रही है? आज 8वां दिन है धरने का। देखो 4 तारीख से लेकर के आज तक आपने देखा 4 तारीख को पूरा रोड जाम हो गया था और आपने सारे अखबारों ने उसकी कवरेज दी थी, और 4 तारीख से लेकर के आज तक डेली हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारे पास पूरी दुनिया से फोन आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं, और लोग पूरा समर्थन जुटा रहे हैं, तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए। तो आगे मतलब किस दिन कुछ बड़ा करने की विचार बनाया है समिति ने? हमारा कोई जल्दी नहीं है, हमें किसी तरह कोई गलती करनी है। हम तो तब उठेंगे जिस दिन अही रेजिमेंट का तबका हमारे लग जाए, ठीक है, और इसमें हम अपनी तादाद को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस दिन हम लाखों की तादाद में हो जाएंगे, उस दिन तक अगर हमारे पास हमारी अही रेजिमेंट नहीं बनती है, तब हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। अभी जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 13 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है समिति, सर्व समाज मिलके, उसके बारे में? देखो शक्ति प्रदर्शन इसलिए है कि उस दिन इतवार का दिन है और हम चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और उनको जो भी फर्दर हमें संदेश देना है, जोड़ना है, तो उसके बारे में उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात यह, हमारे सेंटर के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी या माननीय सर आ रहे हैं, जब वो देखेंगे, हमारी उनसे भी विनती है कि या इतनी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं और हमारे जो हाई रेजिमेंट के मुद्दे को हल करें। अभी कोई ऐसी प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी वो आश्वासन दिया है? नहीं, अभी हमारी किसी प्रशासन से कोई बात नहीं। हमारी तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई हमारी हाई रेजिमेंट बनवाओ, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भाईचारा बढ़ रहा है, हमारे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी 7-8 दिन में, उससे डबल की तादाद में लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अरुण जी आपका क्या कहना है कि अभी 13 तारीख को कितना जन सैलाब उमड़ेगा, आप जवानी को क्या संदेश देना चाहेंगे? 13 तारीख को हमने तो 4 तारीख को भी संदेश दिया था, हमारे पास पूरे हरियाणा से और भी प्रदेश से लोग आए हुए थे, और 13 तारीख को भी हमारे पास हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे, क्योंकि आज के टाइम में जो युवाओं में जोश है, और आज अब 1-2 दिन से तो हमारे बुजुर्गों में भी जो जोश आया है रेजिमेंट को लेकर, अब पूरी सरदारी ने ठान लिया है कि अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक कंधे पे हमारा ही रेजिमेंट का नाम नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अभी तक क्या डिफेंस से किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, या आपने किसी से तालमेल बैठाने की कोशिश की? हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को पहले भी ज्ञापन दिए, और अब भी पर्सनल तरीके से उसको हमने पोस्ट कार्ड के जरिए उनको पास भेजा है कि अगर हमारा पूरा यादव समाज अब रोड पे बैठ चुका है टेंट लगाकर, और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और अभी एक मूवमेंट पीछे चल रही है कि हर जवान भाई हमारा खून से राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को ज्ञापन लिख रहा है, तो पवन जी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भी हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजे थे, उसके बाद हमारे समाज में जागरूकता काफ़ी संख्या में आई, और हमें रेजिमेंट की मांग के लिए अभी हजारों में हमारे पत्र खून से 3 बजे से हमारा चला हुआ है, उसका जब तक 1 लाख पत्र पूरे नहीं हो जाते हैं खून से, इतना हम अपनी मांग को जारी रखेंगे।
अभी आगे इस मूवमेंट को आप अहिरवाल के किस किस ठिकानों में ले जाना चाह रहे हो, जैसे रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी? हम पूरे हरियाणा में इस मुहिम को ले जाएंगे, और यहीं तक नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ यादव बाहुबल्य क्षेत्र है, जैसे बिहार है, यूपी है, और अपना हरियाणा में भी दक्षिणी हरियाणा जो झज्जर और रोहतक और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इन जिलों को कवर करता है, इधर मध्य प्रदेश में भी यादवों की संख्या पूरे भारत में 25 करोड़ यादव हैं। जिस दिन वो इकट्ठे हो गए, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी रेजिमेंट बन जाए, कि हमें इतना ही संख्या में इकट्ठा ना होना पड़े, और प्रशासन को यह बात समझने में जो देरी लग रही है उसको थोड़ा जल्दी समझे। तो आप ये बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि अब की बार जब तक सरकार इस चीज़ का गठन नहीं कर देती है रेजिमेंट का, तब तक आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम ये सोच के बैठे हुए, जब तक ये अरेंजमेंट नहीं बनेगी, ये तंबू खड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात और भी सोच के बैठे हैं, वोट वही पाएगा जो अरेंजमेंट बनवाएगा, ये बिल्कुल दोनों चीजें क्लियर है। अरेंजमेंट बनवाएगा। सहदेव जी, आप एजुकेशन उससे आते हैं, आप एक टीचर हैं, सुना है हमने आपके बारे में, तो अभी तक क्या स्टूडेंट्स में ये चीज कहाँ तक आपने फील की है कि इस मूवमेंट को अपना, आपका जो विद्यार्थी है हमारा, वो कहाँ तक देख पा रहा है, इस चीज को किस नजरिए से देख रहा है? देखिए जी, जब से यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ है, तो हमारी समाज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि जब हम प्लस टू कर लेंगे या दसवीं कर लेंगे, उसके बाद हमारे लिए फौज के अंदर क्या स्पेशल है। तो उनके अंदर भी इस बात की जागरूकता है कि अगर हमारी रही रेजिमेंट का गठन हो जाता है तो उससे हमें नई अपॉर्चुनिटी, रही रेजिमेंट का गठन हो जाता है तो उससे हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हम अपनी खुद की रेजिमेंट के अंदर अफसर बन के जाएंगे और कंधे पर हमारा नाम होगा। तो आप ये बिल्कुल जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि उनके अंदर भी जागरूकता बहुत भारी तौर पे फैलती जा रही है, और जल्दी ही जो स्टूडेंट विंग है, जो कॉलेज की स्टूडेंट विंग है, वो विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी इस धरने को सफल बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दादा किशन की जय, जय यादव, जय माधव, वही रेजिमेंट हक हमारा, वही रेजिमेंट हक हमारा, वही रेजिमेंट हक हमारा, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। सूरवीर सूरवीरों में सूरवीर, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। जय दादा किशन की जय।